नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस अपडेट हो रही है दिन पे दिन, और आप मई जून का स्टेटस किस तरीके से चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आई है या नहीं आई है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको वीडियो का पूरा जो जानकारी है वो समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आपको जाना होगा स्टूडेंट वाले ऑप्शन में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों फ्रेश पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा दबा के रखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं दिए गए हुए हैं, उन पर आपको जो आपके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है स्कॉलरशिप का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो आपकी DOB है कैंडिडेट की, वो फिल करनी होगी। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो आपका पासवर्ड बनाया गया है, ठीक है ना, जो आपने पासवर्ड ऑनलाइन करते समय बनाया है दोस्तों, उसको फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर इस सारा डेटा को फिल कर देता हूँ एक बार। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सारा डेटा को फिल कर दिया, और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरा नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा लॉगिन वाला। और उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा हमें स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अपने मोबाइल को थोड़ा सा हमें रोटेट करना होगा। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा करेंट स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारा करेंट स्टेटस है कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है दोस्तों। यानी कि आपकी स्कॉलरशिप तो दोस्तों आ ही गई है, वो आपको स्क्रीन पर दिख ही गई होगी कि आपकी स्कॉलरशिप यहाँ करेंट स्टेटस में आपको रेड कलर के कुछ रिमार्क लगा दिया है। यानी आपको 5000 रुपये, ठीक है ना, आए हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आधार बेस बैंक अकाउंट, ठीक है ना। यानी जो स्कॉलरशिप है आपकी जिस बैंक में गई है, जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लगा हुआ है। और दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारे स्टेटस में सारे सब कुछ कंप्लीट है, फिर भी हमारा स्कॉलरशिप इस बार नहीं आया, इसका वजह क्या है सर? तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि कुछ लोग का जो स्कॉलरशिप DW ऑफिस से 2023 में वेरीफाई हुआ है, ठीक है ना, तो उन लोगों का अभी तक स्कॉलरशिप दोस्तों नहीं आया है। उन्हीं का स्कॉलरशिप आया है जिनका 2022 में यानी दिसंबर में जिनका फॉरम DW ऑफिस से वेरीफाई हो चुका है, उन्हीं का स्कॉलरशिप आया हुआ है दोस्तों। आप इस तरीके से हम अपना नया वाला स्टेटस है वो चेक करके देख सकते हैं, और आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं वो भी पता लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना।